हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल नुमान मेडिसिन में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए दोस्तों एक ऐसा टॉपिक जो कि हर किसी को जानना जरूरी है कि ये क्या होता है। जिसकी चीज हम बात कर रहे हैं उसका नाम है एल्डरवेट इंजेक्शन, जो कि बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल में लिया जाता है दोस्तों क्लिनिक पे, हॉस्पिटल में और हर जगह ये इस्तेमाल में लिया जाता है। डॉक्टर द्वारा बहुत ही ज्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है, बहुत ही ज्यादा लगाया जाता है हॉस्पिटल के अंदर फिर क्लिनिक के अंदर। तो इसके बारे में हम पूरी डिटेल आपको देंगे दोस्तों इस वीडियो में। आप थोड़ा सा भी स्किप ना करें, पूरा वीडियो को देखें। तो एल्डरवेट जो इंजेक्शन होता है, इसको बनाने वाली कंपनी होती है, इसको बनाया है एल्डर फार्मास्यूटिकल कंपनी, इसको मैन्युफैक्चरिंग करती है, बनाती है। कंपोजिशन जो दोस्तों, ये दो तरीके का इसका इंजेक्शन आता है, एक एम एल का आता है और एक जो है 1.5 ml का आता है। मतलब एक ml में आता है, एक 1.5 ml में आता है। इसका जो 1.5 ml वाला जो इंजेक्शन होता है दोस्तों, उसके अंदर विटामिन सी होता है 150 mg में, और जो 1 ml वाला जो इसका इंजेक्शन आता है विटामिन B12 होता है इसके अंदर, फोलिक एसिड होता है दोस्तों, नियोसिनामाइड होता है इसके अंदर। ये तीन चीजें इसके अंदर होती है 1 ml वाले इंजेक्शन के अंदर। दोनों की पैकिंग आप साइड में देख ही सकते हैं, इस तरीके के देखने में होते हैं। और दोनों को कैंसे लगाया जाता है, किस तरीके से इसको यूज में लिया जाता है पूरा बताएंगे हम, थोड़ा सा भी स्किप ना करें, आखिर तक देखना वीडियो को आपको। अब बात करते हैं यूज की, इसके इस्तेमाल की, किस किस इस्तेमाल में इसको, किन किन यूज में इसको लिया जाता है दोस्तों। तो इसका जो इस्तेमाल होता है दोस्तों, इसका इस्तेमाल होता है न्यूट्रिशन डिफिशियंसी, मतलब कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि जिसको अपने खाने से विटामिन भरपूर मात्रा में नहीं मिल रहे हैं, डिफिशियंसी है उसकी बॉडी में न्यूट्रिशन की वजह से उसको, क्योंकि न्यूट्रिशन में विटामिन होते हैं, और जब उसको वो डाइट अच्छे से नहीं मिल पा रही है जिसकी वजह से वो विटामिन उसकी बॉडी में नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उस जगह पर हम इसको बाहर से देते हैं विटामिन को इंजेक्शन के टेबलेट के फॉर्म में। तो इस इंजेक्शन को लगाते हैं तो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी में काम करता है, दिया जाता है। दूसरा, ये जो है हेल्प करता है ब्रेन का जो फंक्शन होता है, ब्रेन जो काम करता है उसको काम करने के तरीके को बढ़ाता है, थोड़ा सा उसकी फंक्शनिंग को इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है, प्रॉपर काम करने में उसके हेल्प करता है। आरबीसी डेवलपमेंट में मदद करता है, आरबीसी की डेवलपमेंट करता है, हीमोग्लोबिन को इंक्रीज करता है। इसके अलावा जो है आयरन की डिफिशियंसी है तो आयरन को भी बढ़ाता है दोस्तों, कमजोरी लगती है, थकान लगती है, तो उस कंडीशन में भी इसको लगाया जाता है। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना होता है किसी को, तो इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है दोस्तों। इसके अलावा मेंटेनिंग स्किन जो होती है, स्किन और हेयर को भी ये मेंटेन करता है, हेल्दी बनाता है दोनों चीज़ों को। इतने सारे इसके फायदे होते हैं दोस्तों, हो सकता है किसी और यूज़ में भी डॉक्टर अपने प्रैक्टिस के आधार पर इसको ले सकते हैं। बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन की, किसको नहीं देना है दोस्तों। वैसे तो दिया जा सकता है किसी को भी, बट प्रेगनेंसी है या फिर कोई और दवाई उसकी चल रही है या फिर कोई और बीमारी है उसको, तो वो अपने डॉक्टर को जरूर बताए इसको लेने से पहले, बिना डॉक्टर के सलाह के इसको नहीं लगाना, खास करके प्रेगनेंसी में। डोज की बात करें तो जो इसका दो बहुत इंजेक्शन, जो दोनों इंजेक्शन आते हैं उनको, वैसे तो ज़्यादातर आई ड्रॉप ड्रिप जो आती है, इन्फ्यूजन जो आता है उसके अंदर डालकर लगाया जाता है, लेकिन कभी कभार IV भी लगा दिया जाता है। तो ये होता है इसको लगाने का तरीका। दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी एल्डरवेट इंजेक्शन के बारे में? हमने काफ़ी अच्छे से, काफ़ी डिटेल में आपको नॉलेज दी, आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। हम आपके लिए ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो इस चैनल पर बनाकर डालते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।